पेपर देखा तो पेपर तो बहुत ही ईजी था, अब तो ये था कि कुछ नहीं है, स्किल का तो डर ही खत्म हो गया। और हाँ, और एक बार अगर आप टाइप सीखते हैं तो पहले मैं भी थोड़े से ऐसे हवा में थी कि नहीं क्या है, टाइप तो हो जाएगी। मैं जाकर प्रैक्टिस करती थी तो मेरी स्पीड आती थी 35-40 तक भी आ जाती थी, और यहाँ आई तो मेरी स्पीड आई 25। यहाँ पर हाथ ही नहीं चले, मतलब घर पर तो अपन क्या है, सर बोल रहे थे कमरे वाली बात, वो बिल्कुल सही होती है। जो एक्चुअल टाइप आपका भी घर पर नहीं हो सकती, टाइप होती है इंस्टीट्यूट में, क्योंकि जब आप लोग टाइप करते हैं आप खट 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 की आवाज़ भी सुनते हैं दिमाग में आपके चलती है, तो फिर ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। घर पर तो आप बिल्कुल अपने कमरा बंद करके और ना कीबोर्ड लगा के एकदम माहौल बना के टाइप करते हैं, पर वैसा एग्जाम में कुछ नहीं होता है। यहाँ तो 10 लोग हैं, वहाँ तो 100 लोग टाइप करते हैं, तो वो जो इतना साउंड आता है वो आपको इतना डिस्ट्रैक्ट करता है कि आपकी टाइप नहीं हो पाती। तो आप जितनी भी प्रैक्टिस करें टाइप की, वो यहीं पर आके करें, क्योंकि घर पर करेंगे तो आपकी बिल्कुल 10 की स्पीड तो कम 10 पॉइंट्स से मतलब आपके डिक्रीज होंगे ही होंगे। वहाँ की 40 आ रही है तो वहाँ आपके एग्जाम में 30 आएगी, ये तो आप मान के चलना। और हर तरह के सर ने कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करवाई, डेल के पे भी, और जितने भी यहाँ पर कीबोर्ड है सर बहुत सर बोलते थे अलग अलग सर कीबोर्ड, ये लो फिर ये लो ये लो, तो बस वहाँ दिक्कत नहीं आई। ऐसा सिमिलर से कीबोर्ड था तो भी थोड़ा सा इनको भी फिंगर आपकी शिवरिंग, मतलब हाथ थोड़े से कांपेंगे आपके, पर तो मेरा यही कहना है कि आप यहीं प्रैक्टिस करें। घर पे ऐसा ना सोचे कि अरे मेरी तो 50 की आ रही है तो मेरी वहाँ 50 की आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये प्रैक्टिकल सिनेरियो में नहीं होता। तो